गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि, एंड आज गणगौर भी है तो हैप्पी गणगौर। माता रानी आपके ऊपर खूब सारी कृपा रखे और आपको खूब सारी खुशियाँ दे। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मम्मी ने भी 2-3 दिन से, जब से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, मेरे को आदत डाल दी सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि मम्मी बहुत जल्दी उठ जाती है। पूरा हम जब तक उठते हैं तब तक तो पूरा घर वगैरह सब साफ हो जाता है, तो आवाज़ होती रहती है, तो मेरे को भी मम्मी चलते फिरते आवाज़ देती रहती है, सूरज उठ जा, सोनू उठ जा, तो मैं अपने आवाज़ खुल जाती है, बार बार आवाज़ आती है तो, और मम्मी कूलर वूलर सब बंद कर जाती है तो मैं अपने आप ही उठ जाता हूँ वैसे ही। तो जल्दी उठने की आदत डाल चुकी है मेरे को, वरना तो मैं उठता हूँ अराउंड 8 बजे, मम्मी उठाना स्टार्ट करती है 8:30 तक उठ पाता हूँ। तो गंदे आदत डल गई थी लेट तक सोने की, लेकिन हाँ अब वापस सुधर रही है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा अभी। लेकिन मजनू भाई नहीं सोए हैं, नहीं उठे हैं, अनुज भी नहीं उठा, मजनू भी नहीं उठा है, मम्मी उठ गई, पापा भी नहीं उठे हैं, सिर्फ मैं और मम्मी उठ गए सुबह सुबह। हम दो ही अच्छे बच्चे हैं इस घर के अंदर जो कि उठ गए। अभी मैं लेके चलता हूँ मजनू के पास, देखना वो कैसे सोता है। देखो कैसे सो रहा है मजनू। ओए उठ जा उठ जा। अरे कितना कितनी गहरी नींद सो रहा है मजनू, उठ जा ना, ओए उठ जा, आँख खोल के पड़ा, चल उठ जा। पूरी रात तो घूमता रहता है, सुबह हो गई, पूरे दिन सोता रहता है। चल उठ, उठो 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 मजनू, देख सुबह हो गई, चलो चलो उठो, पापा बुला रहे थे, उठ जा आ जा, पापा बुला रहे, पापा उठ गया, उठो बेटे उठो, देख पापा बुला रहे हैं। मम्मी के दुपट्टे पल्लू सारे के सारे फाड़ दिए इसने। अभी मम्मी बना रही है खाना पापा के लिए, पापा का टिफिन रेडी कर रही है। पूजा कितने बजे करेंगे अपन? अपन करेंगे पूजा 11 बजे करें। इतनी लेट? हाँ, पापा का टिफिन लगा के नहा धो के कपड़े वपड़े धो के फिर होके, अच्छा पूरा काम करके फिर करेंगे ये पूजा। हाँ ठीक है। अभी जस्ट मैं वाटरमेलन लेके आया हूँ, और देखो मैं किस ब्रांड का वाटरमेलन लेके आया हूँ, क्या ब्रांडिंग चल रही है भाई, तरबूज के ऊपर भी संदीप। देखो मैं ये किसी ने नाम लिख रखा है तरबूज के ऊपर अपना। आज गणगौर है ना? हाँ। अपन लोग नहीं बनाते ना गणगौर? अपने यूपी में नहीं बनाते, राजस्थान में बनाते हैं, पर मम्मी पूछती है गणगौर। आप ही पूछते हो क्या? हाँ, मामी पूछती है, मैं भी पूछती हूँ, दुलारी पूछती थी। ओके, तो बेसिकली हम लोग यूपी के हैं तो वहाँ नहीं बनाया जाता गणगौर। हाँ। लेकिन यहाँ पर मम्मी लाइक और लोग बनाते हैं तो मम्मी भी बनाती है। राजस्थान में रहते हैं हम, मैं तो मेरा तो जन्म यहीं पर हुआ है तो यहीं पर बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कैसे बनता है गणगौर। मैंने इतना ध्यान भी दिया पूजा पाठ में कभी पहले, और क्योंकि लेडीज करती हैं सारा फेस्टिवल का ये। लेकिन यशी ने मुझे बोला है कि तेरे को घर पे आना है, तुझे देखना है कैसे क्या होता है। और उसके गणगौर बढ़िया ही क्या? हाँ गणगौर उनके होता है ना, उनके बनता है गणगौर, गणगौर की पूजा कहाँ कर रहे हैं? घर पे करते हैं शायद, उनके घर पे करते हैं। हाँ वो पता नहीं शायद वहाँ पर कहाँ पर जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं उनका कैसे करते कैसे नहीं करते, पता नहीं, मैं तो जाके देखूंगा। अभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा, देन घर पे पूजा करेंगे नवरात्रि की, उसके बाद मैं जाऊंगा यशी के घर पे, उनका जो गणगौर है। मैं वो यशी वो बता रही थी कि बहुत मज़ा आता है गणगौर के फेस्टिवल में, तू आना, तो मैं ठीक है चलो देखेंगे गणगौर का फेस्टिवल। हमारी मम्मी जी हो गई हैं तैयार, इधर देखियो, हाय ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर लग रही हो आज तो, मस्त लग रही हो। पापा को वीडियो कॉल करके दिखाऊं क्या? पापा को वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ पापा। हाँ ये देखो मम्मी सज दस के कैसी लग रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसी लग रही है? साक्षात वही है लक्ष्मी जी। ओ तेरी की लक्ष्मी जी लग रही है साक्षात। बाला माल होने वाले हैं अपन। ठीक है ठीक है ठीक है, माला माल होने वाले, तो कितने पैसे, कितनी माला माल कर रही मेरे को बताओ। माता रानी का आशीर्वाद है, खूब सारे काम अच्छे अच्छे होंगे, खूब माला माल हो गए, सबको आशीर्वाद दे दो माता रानी का, माता रानी का आशीर्वाद सब ले लो, सब ले लो, और सबके घर में खूब सुख शांति आए और खूब सारे पैसे आए। जय माता रानी जय माता। घर की पूजा हो गई, अब चलते हैं यशी के। हाय ब्यूटीफुल, मस्त लग रही है तू, लेकिन आंटी आंटी ज्यादा अच्छी लग रही होगी पक्का से। अब वो तो ज्यादा अच्छी लग रही है, मम्मी भी खूब सज सज के बैठी है, हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी औरतें। तुम क्या करवा रहे हो? शिव पार्वती की पूजा होती है। अच्छा हाँ बता दो सर, होता क्या है? हाय मिकूज। हाय भैया।
आंटी डॉग, आंटी डॉग, आंटी नहीं नहीं वाली दुल्हन, आंटी तो लग रही है आंटी। अंकल गए, अंकल अंकल गए आज। अरे हाय ब्यूटीफुल बोल रहा था मंगल। क्या है, शिव पार्वती की पूजा होती है, ईसर गणगौर होते हैं, शिव पार्वती का रूप होते हैं, इनकी पूजा करती है शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां। शादीशुदा औरतें करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां करती ताकि अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा वर मिले, हाँ। अच्छा वर मिले। दादी जी कहाँ हैं? दादी जी फोन में यार, जैसा नहीं लग रहा है, सबकी शादी होगी, सभी सभी सुंदर लग रही है, सभी सुंदर लग रही है, जगमगा रही है। मम्मी टीके क्यों लगाते हैं? पूजा का क्या लगाती है? पूजा का प्रोसेस, पूजा का प्रोसेस है। अच्छा, एक तो रोली की टीकी लगती है, 16 टीकी रोली की, 16 हल्दी की, 16 मेहंदी की और 16 कराने की। मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ पूजा, मैंने तो कभी देखी नहीं। इनके वाली होती मम्मी अपने गरीब, मैं अच्छी तरह वीडियो बना के देख सकता हूँ, सबसे ज्यादा बढ़िया मेरो। दादी जी ने सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर डांट पड़ गई आंटी को। ऐसे ही है, सास से तो डांट के बहू को। ए माँ बोलता रहला मेरे, ए माँ तू तेरी बहू ने डांटी, मेरी माँ ने भाई डांटी, अब आंटी डांटी ना बिगड़े भाई माँ पति जे। ये है शिव पार्वती का रूप, ये ईसर जी हैं, ये गणगौर जी है ना मम्मी। अंदर गीत चल रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और अंदर में कैमरा लेके मेरे को पता कैसी फीलिंग आ रही थी, बोलो टा शादी वाले, हां वे मेरी भी फोटो, मेरी भी फोटो, हां अंदर ये हो रहा था, मुझे भी लो। अरे अंकल आपका इंतजार कर रहे थे हम। आप भाई मेरा इंतजार क्यों करो, ईश्वर का इंतजार करो ना, आपके बिना व्लॉग ही अधूरा है। गणगौर तो ईश्वर का इंतजार करती है। अरे आपके बिना व्लॉग ही अधूरा है। आपकी गणगौर अंदर बैठी, मेरी गणगौर अंदर है, बुला लिया, आ गया मैं, आ गया वो अंदर, आपने सजावट करी ना पूरी। हाँ आंटी बोल रही, मैंने करी पूरी सजावट। नहीं नहीं भाई, वो श्रेय अपना लेना चाहती है, काम तो मेरे को करना पड़ता है। अंदर आके बोलो, अंदर आके। हाँ। नहीं अंदर नहीं बोल सकता हूँ, उनके सामने अंदर नहीं बोल सकता, बाहर बोल सकता हूँ। सजावट किसने करी है? आंटी आपने आपने क्या बोला? मैंने पूरी सजावट करी है, अंकल ने करी सजावट, काम तो मैंने किया, ने लगाई है, बाकी तो सारा मैंने किया। डायरेक्शन इनका था, गाइडेंस इनकी थी, काम मैंने किया। क्या लाई है जी? मलाई वाले घेवर। ये है राजस्थान की फेमस फेमस मिठाई, जो गणगौर के टाइम सबसे ज्यादा खाते हैं और सबसे ज्यादा मतलब बांटते हैं, शगुन वाला। रबड़ी के घेवर, ऐसे प्लेन घेवर भी आते हैं, और ये राखी के टाइम भी आते हैं और दिवाली के टाइम भी आते हैं ना शायद? नहीं दिवाली के टाइम नहीं आते हैं, ये सिर्फ गणगौर तीज और तीज गणगौर होली और नहीं तीज और संक्रांत पे भी आते हैं, संक्रांत बहुत टेस्टी है। अगर आप जयपुर राजस्थान में कभी भी कहीं पर भी आना तो ये जरूर खाना, मलाई वाले घेवर। मैं तो क्या डाइट पर हूँ, ये डाइट पर नहीं है तो ये खा सकती है। मेरे को पीठा थोड़ा कम पसंद है, पर इसे देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। टेस्टी तो बहुत लग रहा है, बोलेगा मुंह में पानी आ रहा। बहुत टेस्टी होते हैं घेवर, और ये राजस्थान में ही ज्यादा चलते हैं, बाकी तो और जगह चलते होंगे बट इतने नहीं चलते हैं जितना राजस्थान में चलते हैं। और ये गणगौर भी जयपुर के हिजाइनेस ने चालू किया था, कि तो ये गणगौर फेस्टिवल भी जयपुर से ही स्टार्ट हुआ है। जयपुर से, ये जयपुर से स्टार्ट और राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। और ये डिश जरूर खाना जब भी जयपुर राजस्थान में आओ, और अपने राजस्थान में सबसे अच्छी जयपुर में मिलती होगी शायद। हाँ जयपुर में सबसे उदयपुर राजस्थान में सब जगह मिलता है, बट जयपुर में बहुत ज्यादा फेमस है, जयपुर में बहुत अच्छा है, तो ये जरूर खाना। ठीक है, आप लोग जैसे घर के अंदर कर रहे हो अभी, मैंने मम्मी वगैरह तो क्या मंदिर के पास जाकर कर रही थी पूजा, नहीं घर में गणगौर नहीं बैठाई होगी तो मंदिर में कर रही थी। पार्वती की पूजा होती है ये। ओके ज्यादातर औरतें ही करती है, तीज और गणगौर ये दोनों औरतों के त्योहार, औरतों के त्योहार है। हम लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। अंकल को तो हमने स्पेशली बुलाया, अंकल आपके बिना मजा नहीं आ रहा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आंटी से लड़ाई कराने मजा आता है। मैं तो चला गया था, मैंने कहा इनको इनका काम करने दो, अपने तो अपने काम से चलो। मेरे को फोन करके बुला लिया, बोला आपके बिना तो व्लॉग बनेगा नहीं। मस्ती होनी जरूरी है ना व्लॉग में, बहुत जरूरी है। गाइस आप लोग भी बताना कि आपके घर में भी गणगौर की पूजा होती है, मतलब ये जो आज वाली जो पूजा है हमने जो व्लॉग में बताई, ये आप लोग भी करते हो या नहीं करते, या
किसी और तरीके से करते हो वो हमें कमेंट में जरूर बताना ताकि हमें भी पता चल पाए कि कैसा कैसा कहाँ पर किस तरीके से पूजा की जाती है। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।